टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आज यहाँ पर प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं मैडम से। मैडम, पहले अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और फिर अपने TLM के बारे में परिचयात्मक ढंग से पूरा विवरण आप बताएंगे। रेणुका पटेल मेरा नाम है, माध्यमिक शाला हटवा बरहा टोला से हूँ, जन शिक्षा केंद्र हटवा खास। TLM के माध्यम से मैं इसमें विद्युत परिपथ के बारे में बताई हूँ बच्चों को, किस तरह ऋण आवेश और धन आवेश यहाँ काम करते हैं, और दोनों परिपथ यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा प्रज्वलित होती है और बल्ब ऑन होता है स्विच की सहायता से। जैसे मान लीजिए कि हम छात्र हैं और हम कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो किस तरह से आप समझाएंगे? बहुत अच्छा आपने मेहनत किया है, तो कैसे आप इसको और विस्तृत बताइए। दिखाना नहीं है बल्कि उसको समझाना है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। कोई भी छात्र कक्षा का कुछ भी नहीं जानता है कि धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, कैसे बिजली जलती है, इसको कैसे आप बता करके। सर, ये लगा है सर, यहाँ इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है। यहाँ से ये तार जब हम इसमें कनेक्ट किए और इधर एक और मतलब धन आवेश और ऋण आवेश से दो बैटरी हमने और लगाई, इधर से भी धन आवेश से ये जब तार गया यहाँ पर, यहाँ दोनों परिपथ में जब इकट्ठा होते हैं तो यहाँ फिर ऊष्मा जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है तो ये फिर ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा के कारण ही बल्ब जलता है, कन्वर्टेशन होता है यहाँ पर। सर इतना ही और चलिए, ओके, थैंक यू मैडम। सर, एक मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है श्वसन, श्वसन तंत्र जो होता है बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये जीव विज्ञान का है ना, जीव विज्ञान के बारे में आप इसमें स्वतंत्र तंत्र के बारे में समझाना चाह रही हैं, तो कैसे बताएंगी? इसमें सर श्वसन, जब हम नाक से सांस लेते हैं अपने, तो नाक और मुंह दो नली होती हैं, जब हम नाक से सांस लिए तो ये फिर एयर जो होता है वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग से यहाँ मुंह के अंदर ही होता है, जब गले के पास गए तो वहाँ लैरिंग्स में पहुँचा, मुंह से ही जैसे गया नाली नाक वाली नली में तो वो फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स फिर जब गले तक पहुँचा, यहाँ फेरिंग्स नाक से ही अंदर जब जाते हैं, म्यूकस झिल्ली ये पार कर लेते हैं तो फेरिंग्स पड़ता है, और फेरिंग्स के बाद फिर जब गले में यहाँ कनेक्ट होता है जहाँ पर मुंह वाला और मतलब खाने वाला भोजन वाली पाइप वो दोनों, तो वहाँ पर लैरिंग्स होता है कटाक्ष में, जब हम खाना खाते हैं तो जो सांस वाली होती है तो वहाँ पर एक बाल्ब होता है वो बंद हो जाता है, लैरिंग्स वहीं पर होता है सर, यहाँ पर सर लैरिंग्स यहाँ होता है गले के से, यहाँ से फिर नीचे आए, यहाँ तो ब्रोकाई हुआ, वो ट्रैकियो हुआ, ट्रैकियो में एयर गया, ट्रैकियो से फिर यहाँ दो भाग में कन्वर्ट हुआ फेफड़े में, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़े में, तो ब्रोकाई हो गया, अब ब्रोकाई से फिर ये जैसे गुच्छे तने में, गुच्छे पेड़ में होते हैं जड़ में, उस तरह ये गुच्छे बांध लेते हैं यहाँ फेफड़े में, फेफड़े की आकृति इस तरह हुई। अच्छा, यहाँ पर हवा गई है ना इस फेफड़े में। हाँ, तो यहाँ से जब ये ब्रोकाई ब्रंकियोलिक्स, इसको ब्रंकियोलिक्स कहते हैं, ब्रंकियोलिक्स में फिर एयर गया तो यहाँ पर एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई लगभग छोटे 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 ऐसे गुच्छे टाइप से होते हैं, उसी एल्वियोलाइन में जब हवा गया तो वहाँ पर क्या कहते हैं रक्त की कणिकाएँ होती हैं, और वहीं रक्त की कणिकाओं में विनिमय होता है एयर का, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों विनिमय हुआ, तो जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से इसमें मतलब पाइप में आ जाएगा ब्रंकियोलिक्स में, और जो यहाँ के ऑक्सीजन होते हैं तो ये चले गए रुधिर में मतलब ब्लड में, अब ब्लड के बाद फिर ये फिर ब्लड में जैसे ही गया तैसे फिर वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचता है, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वापस हुआ विनिमय द्वारा तो ये फिर से बाहर निकला और बाहर निकल गया, इसकी क्रिया विधि थोड़ा सा, ये फूलता है जब फेफड़ा, जब फूलता है तो डायफ्राम यहाँ नीचे होता है डायफ्राम होता है, डायफ्राम में अंतः श्वसन जब होता है, जब अंदर हवा गया, बच्चे बोल रहे हैं फुला दीजिए, ये आप देख लिए बच्चों, हाँ इस तरह से ये फूलता है, तो यहाँ पर अंतः श्वसन के समय डायफ्राम जो होता है यहाँ पर एक पसली हो, डायफ्राम क्या होती है कि ये थोड़ा फूल जाता है जब एयर भरता है इसमें, तो जब एयर निकलता है तो ये फिर से इस साइज में यहाँ ऐसे। आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये हमारे छात्र हैं, कुछ पूछ रहे हैं। कौन सी गैस पाई जाती है, अंतः श्वसन किसे कहते हैं? अंतः श्वसन ऑक्सीजन, जब हम गैस तो सब जाती है, देखिए नाइट्रोजन भी जाती है इसमें, ऑक्सीजन भी गई, ज्यादातर कौन सी गैस जाती है? ज्यादातर इसमें जाती है देखिए नाइट्रोजन, लेकिन यूज नहीं होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिर से वापस आ जाता है, और यूज क्या होता है O2 ऑक्सीजन होता है, वो जरूर जाता है 21%, वही फिर सारे शरीर में यहाँ एल्वियोलाई की सहायता से जाता है पूरे शरीर में, और फिर जब शरीर में पूरे
पहुंच गया अंग अंग में, तो फिर वहां पर कन्वर्ट हुआ और CO2 बना, और वो CO2 फिर वापस आता है यहाँ एल्वियोलाइन में और यहीं पर फिर से बाहर निकल दिया जाता है। जो ये उच्च श्वसन है, जो वाला उच्च श्वसन में मतलब होता है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, अपने हवा को बाहर निकालते हैं, तो ये डायफ्राम यहाँ पिचक जाता है, इस शेप में हो जाता है, ये उच्च श्वसन हो गया। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है बाहर निकालते हैं? उसमें CO2 होता है जो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी गैस ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को आवश्यकता केवल ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में जितनी ग्राह्य हो जाती है और शेष जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है फिर हम बाहर निकल लेते हैं, है ना? ठीक है। और उसके साथ ये भी तब निकल जाती होंगी N2 वगैरह, है ना? N2 भी आ जाती है बाहर। ठीक है। शासकीय माध्यमिक शाला हटवा बराह टोला से आप थी रेणुका पटेल मैडम जी, और बहुत अच्छा आपने बनाया, थैंक यू मैडम। एक हमारा है गाड़ी का, ये सर के द्वारा एक पीछे खड़े हो जा, लीजिए लीजिए, आप लीजिए, आप बहुत बोलिए सर। जैसे आपके द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया था जी कि मतलब संख्याओं का ज्ञान बच्चों को कैसे कराना है, प्रशिक्षण भी हम लोग लिए हैं 9-10 में कि संख्यात्मक ज्ञान और ये बुनियादी, तो उस हिसाब से कि हमने एक नंबर कार्ड बनाया 0 से लेके 20 तक और बच्चों को समझाने के लिए इसके हम एक भी प्रयोग जैसे ट्रेनिंग में सीखा कि नंबर ट्रेन बनाकर बच्चों को उसमें कुदा भी सकते हैं, दूसरा माचिस के तीलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने एक बोला तो एक माचिस की तीली बच्चा उठाएगा, दो बोला दो उठाएगा, तीन बोला तीन उठाएगा, ऐसे ही माध्यम से हम संख्याओं की समझ बच्चों में पैदा कर सकते हैं, शून्य की समझ पैदा कर सकते हैं और मतलब बच्चा में उसका आकलन भी कर सकते हैं और उससे एक एक संख्या पूछ पूछ। बहुत अच्छा। आप हैं संतोष कुमार सिंह सर, है ना? जी जी जी। हाँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खाड़ी से हैं आप, है? और बच्चों को किस तरह से हम गिनती नंबर्स का ज्ञान प्राप्त कराएंगे उसके बारे में आप TLM बना करके लाए हैं।